पब्लिक स्कूल वेलकम्स यू। माई सेल्फ संदीप नेहरा, यूअर हिस्ट्री टीचर। वी आर स्टडिंग अबाउट चैप्टर 11, रिबल्स एंड राज। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लीडर एंड फॉलोवर्स। तो लीडर्स फॉलोवर्स मतलब मेन लीडर कौन कौन से थे जिन्होंने 1857 के अंदर क्या है लीडरशिप की थी। तो स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखा, आपको बता दिया कि बहादुर शाह जफर की लीडरशिप क्या है दिल्ली के अंदर आती है। तो क्योंकि उसके बारे में डिटेल से आपको पहले बता दिया जाता है, क्यों जो सिपाही होते हैं मेरठ की बैरकपुर छावनी से स्टार्ट करते हैं तो वो नेक्स्ट डे ही क्या पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। और वो मतलब दरबार में ऐसे एंट्री करते हैं जैसे किसी राजा के दरबार में नहीं, मतलब कि ज़बरदस्ती क्या है, मतलब धक्के से उस दरबार में घुस जाते हैं और चारों ओर से क्या है उस बहादुर शाह जफर का जो एम्पायर था वो बाहर क्या नवाज वगैरह पड़े उसको घेर लेते हैं। मतलब कि हम ये कह सकते हैं बहादुर शाह जफर के पास अपना नाम देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वैसे उन्होंने कोई लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन लीडरशिप के अंदर उनका क्या है एक नेम हो जाता है कि बहादुर शाह जफर क्या है इसको लीड कर रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़े लीडर थे और काफ़ी मुस्लिम्स वगैरह जो नॉर्थ इंडिया के अंदर है वो क्या है इन सिपोहे के साथ, यानी कॉमन पीपल्स जो थे हैं राजा होने के कारण इन सिपोहे के साथ हो जाते हैं। तो लीडर्स के अंदर क्या है बहादुर शाह जफर का नाम आता है। अगर उनकी बाद की बात करें तो जैसे ही क्या ये रिवोल्ट खत्म होती है बहादुर शाह जफर उनकी पत्नी और बेटों को क्या है सभी को पकड़ लिया जाता है, उनकी वाइफ्स को और उनके मतलब जितने भी सन्स वगैरह थे उनको क्या है उन्हीं के सामने गोली मार दी जाती है और उनको रंगून जेल के अंदर क्या है भेज दिया जाता है, वहीं पर उनकी डेथ होती है। तो ये बहादुर शाह जफर का था। इसके अलावा क्या है नाना साहिब का है। नाना साहिब कानपुर में थे, वो क्या है नाना साहिब की भी क्या है जो मतलब उनकी लीडरशिप है वो क्या है छीन ली जाती है, तो उनके अंदर भी और वहाँ के आसपास के लोग जो थे नाना साहिब के फेवर में थे वो भी क्या है इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो नाना साहिब की पिक्चर्स भी आपकी क्या है एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, मैंने नीचे भी क्या है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए डाला हुआ है, तो उनके अंदर क्या है इनकी डिटेल्स भी दे रखी है। तो नाना साहिब भी क्या है कानपुर के अंदर क्या है लीडरशिप करते हैं और जो सिपाही वगैरह थे कानपुर के अंदर जो मतलब कॉन्टेंट थी वहाँ पर जो उनके अगेंस्ट जा रही थी तो उनकी लीडरशिप क्या है नाना साहब को दी जाती। फिर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो काफ़ी भी सुना है, इसके लिए क्या है जो काफ़ी हिंदी राइटर्स हैं उन्होंने क्या है खूब लड़ी मर्दानी एक पिक्चर दिखा रखी है आपको जिसके ऊपर लिखा हुआ अभी कि खूब लड़ी मर्दानी वो राइटर का नेम भी है। तो इस तरह की पिक्चर्स भी आप की जो एनसीईआरटी की बुक में है वो आप देखिए, क्योंकि 1 मार्क्स के अंदर पिक्चर्स आती है और उस पिक्चर्स का नेम पूछा जाता है कि ये किससे रिलेटेड है। तो वो पिक्चर्स जितनी भी आपको पिक्चर्स एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है उन पिक्चर्स को साथ ही साथ देखते रहिए। तो रानी लक्ष्मीबाई क्या है झांसी की रानी थी, वो भी क्या रिवोल्ट में साथ देती है। वो इसलिए नाराज़ थी कि उनको क्या है जो सन अडॉप्ट करना था वो नहीं करने दिया जाता, सबसे पहला रीज़न, जिसके कारण वहाँ के झांसी के जो पीपल्स थे उनमें और रानी थे और उनके अलावा रानी के जितने भी मतलब उनकी मिलिट्री के अंदर थे या सभी के अंदर क्या है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ क्या थे एक तरह का मतलब रिवोल्ट आ चुका था, विद्रोह आ चुका था। तो इसलिए क्या है झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई क्या है उनकी लीडरशिप करती है। अरहा के अंदर क्या है कुंवर सिंह क्या है वैसे रानी लक्ष्मीबाई के रिलेशन में ही थे और काफ़ी वो उनके क्लोज भी थे और वो क्या है अरहा के अंदर क्या है बिहार के पास क्या है वो उनकी लीडरशिप करते हैं और ये काफ़ी वीर भी थे। इसके अलावा क्या है ब्रिजेश कदर अवध के क्या है नवाब जो थे उनकी क्या है नवाबी से हटा दिया जाता है। उनको नवाबी से हटाने के कारण क्या है उनके जो काफ़ी सारे जो फॉलोवर्स थे या आम लोग थे उनके अंदर क्या है इस बात का मतलब एक मलाल था कि अंग्रेज़ों ने उनको हटाया है तो इसका बदला लेना है, तो इसलिए क्या है वो अपना लीडर क्या है किसको मान लेते हैं ब्रिजेश को मान लेते हैं और वो भी जो कॉमन पीपल वगैरह होते हैं सिपोहित थे ही कॉमन पीपल्स वगैरह सब क्या है ब्रिजेश कदर को अपना लीडर मान करके क्या अवध के अंदर क्या करते हैं। और अवध तो काफ़ी फेमस है, आगे अवध का पूरा कंप्लीट टॉपिक आएगा कि अवध के अंदर इतना रिवोल्यूशन क्यों हुआ था, नवाब की जो नवाबी थी वो क्यों छीनी गई थी और ब्रिजेश कदर को अपना लीडर क्यों बनाया गया था, कौन कौन सी मतलब वहाँ पर पॉलिसीज़ वगैरह है जैसे कि लैप्स की है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है वो कैसे काम करती थी, तो इन सब के बारे में आगे बताया जाए। तो अवध के अंदर क्या है ब्रिजेश कदर को क्या है अपना लीडर मान लिया जाता है। इसके अलावा मतलब हम यही नहीं कहते कि ये तो थे जो किससे रिलेशन करते थे मतलब शाही खानदान से रिलेटेड थे राजा थे या रानी थे या कुंवर वगैरह थे या नवाब थे, लेकिन क्या है कॉमन पीपल की अगर हम बात करें तो वो भी क्या है लीडरशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इसमें मैंने वहाँ यहाँ दो ही का नाम लिखा है सहमाल और गनो, इनकी क्या स्टोरी आपकी बुक में भी दे रखी है इन टेक्स्ट बुक में पूरी स्टोरी दे रखी है। इनके अलावा एक क्या है
मुस्लिम भी थे, मौलवी साहब भी थे, उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। एक फ़कीर भी थे जो हाथी पर बैठ कर लोगों को मोटिवेट करते थे कि आप क्या है क्रांति के अंदर पार्टिसिपेट किए, वो भी उनकी लीडरशिप कर रहे थे। तो सहमाल क्या है, सहमाल बैरोट के अंदर, बैरोट क्या है एक छावनी थी, ये क्या है जाट जाति से बिलोंग करते थे और वहाँ यूपी के अंदर जाट जातियों का एक गिरोह, मतलब ये कह सकते हैं कि जहाँ पर जाट जाति फैली हुई थी उनको 84 देश कहा जाता था, यानी वो 84 गाँव के अंदर 84 विलेजेस के अंदर क्या है फैली हुई थी, इसलिए उनको क्या है आपको बुक में 84 देश लिखा मिलेगा। तो वो 84 देश क्या है इसलिए उनको कहा जाता था। तो वो क्या है सहमल है, मतलब इवनिंग के अंदर या नाइट के अंदर विलेज टू विलेज आते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, इसके खिलाफ भड़काते हैं और धीरे से क्या है उन सबके क्या है लीडर बन जाते हैं और वो उनको क्या है हैंडल करते हैं। वो एक क्या अंग्रेज़ का जो भवन है उनको क्या है अपने कब्जे में ले लेते हैं उनको वहाँ से भगाने के बाद, और उसका भवन का नाम ही रख देते हैं जस्टिस हाउस, मतलब उसमें वो क्या है एक जज की तरह बैठते हैं और लोगों के लिए न्याय करते हैं। तो वहाँ के लोगों को, बैरेट के लोगों को, मतलब उन जो 84 विलेजेस थे उनको ये लगता है कि यहाँ पर क्या है अंग्रेज़ों का जो राजपाट था बिल्कुल ख़त्म हो गया है और सहमाल ही अब क्या है उनके एक तरह से किंग है। तो इस तरह से बैरेट के अंदर क्या है सहमाल 1857 के अंदर अंग्रेज़ों को भगाने में उन 84 विलेजेस के अंदर काफ़ी बड़ा योगदान थे जो एक सिंपल कॉमन पीपल थे, और ये जुलाई 1857 में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए क्या है मार दिए जाते हैं। इसी तरह क्या है गैनो का है, गैनो क्या है सिंगम, सिंगम है छोटा नागपुर जो आपका एरिया, छोटा नागपुर के प्लेटू के बारे में आपने सुना होगा। तो वहाँ पर क्या है एक एरिया सिंगम, वहाँ पर ट्रिब्यूट्स रहती है कोल ट्रिब्यूट्स, यानी आदिवासियों का एक समूह है उनको लीडरशिप करे, उन्हीं में से गैनो एक था। तो इन्होंने क्या है उनको लीडरशिप किया, उन्होंने भी क्या है रिवोल्ट के अंदर का है काफ़ी बड़ा पार्टिसिपेट किया, क्योंकि आपको उन्हें पीछे पड़ा है कि दीकू वगैरह समझते थे इनको, तो जो आदिवासी थे वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो चुके थे, क्योंकि उस समय इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट वगैरह थे उनको भी क्या है अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया था, वहाँ से टिम्बर वगैरह निकाली जा रही थी, काफ़ी लकड़ी काटी जा रही थी, उनकी जो लिवलीहुड था वो छीना जा रहा था ट्रिब्यूट्स का। तो इसलिए वो गैनो के मतलब लीडरशिप के अंदर क्या है वो वहाँ पर काम करते हैं, तो ये भी एक लीडरशिप के अंदर काम किया है। तो इसके अलावा क्या है एक और लीडरशिप दे रखी है जो मौलवी जी की है, ये सहमाल की आपको मैंने पढ़ा दिए बता दिए, इसके बारे में आप डिटेल से भी कर सकते हो, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है। मौलवी अहमदुल्ला शाह, इन्होंने भी क्या 1857 के अंदर क्या पार्टिसिपेट किया था रिवोल्ट के अंदर। तो ये क्या है हैदराबाद के एक एजुकेटेड पर्सन थे और वो अपने मतलब रिलीजियस के यानी मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे 1856 थे। तो ये जहाँ भी चलते थे मतलब कि अपने मतलब अपने आगे ढोल नगाड़े ये लेकर के चलते थे, तो इसलिए इनको सांग बांग का या डंका साहा भी कहा जाता है, या सांग बांग का साहा कहा जाता है या डंका साहा इनको बोला जाता है, जो अपने साथ क्या है ड्रम वगैरह लेकर के चलते थे। तो काफ़ी जगह इनको एंट्री भी नहीं जाती मौलवी को, तो जो कॉमन पीपल होते थे जो विलेज वगैरह के थे वो इनको क्या है पैगंबर, पैगंबर मोहम्मद पैगंबर जो है वो इनका क्या है गॉड है मुस्लिम डायनेस्टी, वो इनको पैगंबर मानते थे, वो मानते थे कि इनके अंदर क्या है कोई मतलब जादुई शक्तियाँ हैं, मतलब ये किसी को वश में कर सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं। और ये रियलिटी थी कि वो मतलब पूरी रिवोल्ट के अंदर कहीं भी हारे नहीं थे, उसके बाद जैसे ही रिवोल्ट खत्म होती है उनके बारे में कोई जिक्र नहीं आता कि वो कहाँ चले गए, लेकिन पूरी रिवोल्ट के अंदर क्या है वो किसी भी जैसे अंग्रेज़ों के साथ वगैरह किसी के साथ लड़ते हैं तो वो किसी के अंदर हारते नहीं हैं। तो 1856 के बाद जैसे ही 1857 के अंदर जो 22 इन्फेंट्री थी पुलिस की सिपोही की जो इंडियन सिपोही की थी, तो वो इसको क्या है इनको अपना लीडर बना लेती है मौलवी जी को। तो मौलवी जी को लीडर बनाने के बाद क्या है वो क्या है बैटल लड़ते हैं चिनहत की, बैटल लड़ते हैं चिनहत के अंदर जो ब्रिटिश फोर्वीज के साथ हेनरी लॉरेंस थे उसको काफ़ी डिफीटेड करते हैं, मतलब उसको हरा देते हैं, उनको मुँह की खानी पड़ती है। तो डंका साहब मौलवी जो थे इसके बारे में बता दिए, तो वो क्या थे इस तरह से क्या है काफ़ी ब्रिटिशर्स को वो मारते हैं, और जैसे ही उनकी अथॉरिटी वगैरह क्या है अंग्रेज़ों की दोबारा आ जाती है, ये रिवोल्ट को दबा दिया जाता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि काफ़ी लीडर और फॉलोवर थे जिसके अंदर राजा रानी, हम कह सकते हैं कि कॉमन पीपल भी थे जिन्होंने क्या है आगे चल करके लीडरशिप की थी। तो इन मेनली जो 5 या 6 आपको लीडर बताए हैं उनके बारे में क्या है आपको याद होना चाहिए। अगर लीडर्स पूछ लिए जाते हैं कि किसी लीडर्स के बारे में बताइए, तो मेनली नाना साहिब, झांसी की रानी, कंवर सिंह, ब्रजेश कदर, सहमल, गानो या मौलवी जी, ये क्या है मेन इनके लीडर और फॉलोवर्स थे। ओके, थैंक यू।